मैं हूँ मौसमी सिंह और आज तक पर इस खास बातचीत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो जिनकी लड़ाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। बहरहाल अभी तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इस कश्मीर से कन्याकुमारी की लड़ाई में जो 2024 की सियासी बिसात बिछी है उसमें एक अहम कड़ी है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की मुखिया महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है और हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में जमकर वो जमीन पर भी उतरी, बर्फबारी में भी और काफी लंबा उन्होंने जो है पदयात्रा राहुल गांधी के साथ की। महबूबा जी, आज एक बहुत अहम पड़ाव पर विपक्षी दल है, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है, आप लोग एक इंडिया पार्टी अलायंस बना है, इंडिया दल, जिस पर जम के निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। उन्होंने इसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी है, आतंकी संगठनों से कर दी है और ये कह दिया है कि एक बार ही अंग्रेजों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों की और अब जो है ये इंडिया आई है, इससे जो है ये बहुरूपिया है, बिल्कुल भी इसे धोखा खाने की जरूरत नहीं। आपने काफी वकालत की है इंडिया पार्टी की, तो आपको लगता है कि ये जो कारवां चला है आपका कश्मीर से ये आगे बढ़ेगा और 24 में फतेह हासिल होगी? देखिए, जो 2024 की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, जो आज के हालात हैं मुल्क के, आजादी के बाद पहली बार इतने खराब हालात हैं, इतनी नफरतें बटोरी जा रही हैं, इतना कलेश है आपस में। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने मुल्क का बंटवारा पहले रिलीजियस बुनियादों पे कर लिए। एक तरफ से मुस्लिम लीग को ये वो बोलते हमें मुसलमान देश चाहिए, दूसरी तरफ से हिंदू महासभा को खड़ा किया कि हमें हिंदू हिंदू देश चाहिए। मगर किस तरह आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क को संभाला, इतनी नफरत को कैसे दबाया, उसका अंदाजा हमें आज होता है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान का क्या हुआ वो सब देख रहे हैं। मगर हमारे मुल्क में जो हिंदू महासभा और उन जैसी जो आज जमातें जो पावर में हैं, तो इस वक्त मुल्क में इन्होंने क्या हाल कर दिया है। मतलब कि आप जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को लोगों को लिंच करने के लिए इस्तेमाल करते हो, जिस फ्लैग की आप बात करते हो, तिरंगे की बात करते हो, उस तिरंगे को उठा के आप भारत माता की जय करके लोगों को लिंच करते हो, आप जम्मू के अंदर उसी फ्लैग को लेके जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी है उनको सपोर्ट करते हो, तो मुल्क को किस दहाने पहुंचा है इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है। जो अंग्रेजों ने उस वक्त रोल किया था वो रोल इसको बीजेपी कर रही है, सिर्फ फर्क यह है कि अंग्रेजों ने देश के दो टुकड़े कर दिए और बीजेपी लोगों के टुकड़े कर रही है। हिंदू मुसलमान नफरतें इतनी ज्यादा, तो ऐसे में मुझे एक ही रोशनी की किरण नजर आ रही है, जिसको जिस हिंदुस्तान को गांधी जी ने अपना खून देके इसको बसाया, इसको जिंदा किया, इसको जिंदा रखा, यहाँ के सेक्युलर, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को, आज उस पे सबसे बड़ा खतरा मंडला रहा है। और इसको जिंदा रखने के लिए जैसे राहुल गांधी जी जा रहे हैं, जैसे उन्होंने यात्रा की, और मुझे लगता है कि वो उस पड़ाव से बहुत आगे चल चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। वो मेरे ख्याल में जो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए जेलें गुजारी, फिर उनकी ग्रैंड मदर, उसने अपनी जान दे दी, उनके फादर ने जान दे दी इस मुल्क को बचाने के लिए, और बात है कि आज बीजेपी वाले उनको टुकड़े टुकड़े गैंग और एंटी नेशनल क्या क्या कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने एक स्टेप उठाया है कि जो भी कुछ होगा मैं इस मुल्क की आइडिया ऑफ इंडिया को मरने नहीं दूंगा, और इस वक्त बचाव भी इस मुल्क का वही है, और जो इंडिया जो अलायंस बना है जो यकीन रखते हैं कि इंडिया के आइडिया को बचाना है एनी कॉस्ट। उसी पे मैं आप पूछना चाह रही थी कि इंडिया को आप लोग बचाने चले हैं, पर अभी हाल ही में कल ही खबर आई कि इंडिया दो धड़ों में दिल्ली में बढ़ गई है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसी तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो धूल विरोधी बिल्कुल आमने सामने आप लोग रहे। जैसे आम आदमी पार्टी का भी ये आया कल बयान कि अगर दिल्ली में कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी तो हम भी देख लेंगे, तो और अमित शाह साहब भी बार बार इसी पर प्रहार करते हैं कि उनको सिर्फ दिल्ली सर्विस कानून से लेना देना था और वो लोग अलग हो जाएंगे, तो ऐसे दिलों का मेल नहीं हो पाया आपको लगता है, यहीं पे दिल्ली में टूट रही है चिथक? देखिए, जो टीडिंग प्रॉब्लम्स होती है ये तो आएंगी आएंगी, क्योंकि हम एक दूसरा का मुकाबला करते रहे, मगर आज ये कौन कितना कहां कहां इलेक्शन लड़ता है उसकी बात नहीं है। आज
भारत के इंडिया के सर्वाइवल आइडिया ऑफ इंडिया के सर्वाइवल की बात है कि अगर आपने इस मुल्क को जिंदा रखना है, इसकी आत्मा को जिंदा रखना है, इसकी रूह को जिंदा रखना है, तो आपको अपने पर्सनल डिफरेंसेस भूल के इकट्ठा होना होगा। जैसे हम पीडीपी और एनसी, हम तो बिल्कुल ही एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं जी, और सालों से मुखालिफ रहे हैं, बट मैंने इनिशिएटिव लिया, फारूक साहब ने इनिशिएटिव ले लिया, हमने कहा जो बड़ा कॉज है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए हम अपनी डिफरेंसेस को भूल के इकट्ठे हो जाते हैं। करती है राहुल गांधी का जिक्र करती है, आपने जब बेंगलुरु में जो मंथन हुआ आप लोग का, तो वहां पे ये भी शायद प्रपोजल दिया था कि इसको भारत जोड़ो फ्रंट के कुछ इस तरह का प्रपोजल दिया था आपने। नहीं, बेसिकली जो ममता जी ने इसका जो नाम दिया इंडिया बहुत अच्छा है, मैंने कहा कि अगर आपको कहीं लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो फिर आप इसको भारत जोड़ो अलायंस भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ना और इंडिया कोई ज्यादा फर्क नहीं। पर मैं समझती कि ममता जी का आइडिया ज्यादा अच्छा था, जिसको राहुल जी ने एक बार एकदम एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए चले हैं, तो इंडिया जो है वो ज्यादा सूट करता है। 2018 में आप मुख्यमंत्री, आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद से अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया कम्प्लीट कर ली है, डिलिमिटेशन प्रोसेस हो गया, क्या आपको लगता है कि अश्विनी जी विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे बताइए हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इदारा है इलेक्शन कमीशन को लेके जो इस वक्त इम्पार्शियल है, जो इस वक्त सही तरीके से काम कर रहा है? आपके चुनाव आयोग पर भी दबाव है, सब चीजों पे, सब पे दबाव है। आपने देखा नहीं गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी के में क्या फैसला लिया, और उन जजेस के विदाउट यू नो काजिंग एनी एस्पर्शंस ऑन देम, उनका बैकग्राउंड क्या था, और जो हमारे जज यहाँ से निकलते हैं वो कैसे राज्यसभा में चले जाते हैं, वो एक कैसे बड़े बड़े कमीशन में जाके हेड करते हैं। तो इन्होंने तो जो इस मुल्क की इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो ये जो है आपका इलेक्शन कमीशन है, चाहे दूसरे सिस्टम्स हैं, सबको इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। एक जज की तो वॉक करते करते डेथ हो गई, उसका अभी तक पता नहीं चला क्या हुआ। और अगर इलेक्शन होते हैं तो आप कैसे करेंगे, ये कैसे इलेक्शन करेंगे, ये लोग मुझे बताइए इलेक्शन कैसे करेंगे, किस मुंह से इलेक्शन करेंगे? इनको पता है, उन्होंने जम्मू में देखिए, जम्मू में कश्मीर से भी ज्यादा हालात खराब है, क्योंकि कश्मीर बीजेपी डर रही है इलेक्शन से। मैं कहती हूँ इन्होंने इतने जम्मू के लोग जो है उनकी आप देखिए जो उनके हालात है इतने खराब हो गए हैं, कारोबार उनका ठप है, क्योंकि उन्होंने दरबार बंद कर दिए। उन्होंने जम्मू के लोगों को बोला था कश्मीरी जो लीडर है वो आपके साथ भेदभाव करते हैं, हम आप दिखाएंगे। आज जम्मू के दुकानदारों की जिनका सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है, जम्मू के लोगों को टोल टैक्स कितना देना पड़ता है, जम्मू में और कश्मीर में हमारी बिजली, हम मुल्क को बिजली देते हैं, मुल्क के अंदर आप देखिए कि जगह जगह जाते हैं सारे बीजेपी के लीडर कहते हैं हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है स्मार्ट मीटर पहले वहीं से आपने शुरू कर दिया लगाने, तो कितना जुल्म करेंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों पे? और ये सब हो रहा है देशभक्ति के नाम पे। अरे कौन से देशभक्त? पर जमहूरियत भी तो बड़ी चीज है मैम, कहां है जम्मू? अगर चुनाव होगा तो कहां है जम्मू? मुफ्ती पार्लियामेंट देखिए ना, पार्लियामेंट मैंने तो ये बोला है कि जहां तक असेंबली का सवाल है, मैंने असेंबली का जो इलेक्शन लड़ा है उस वक्त इस मुल्क का जो संविधान, हमारे स्टेट का संविधान, मुल्क का झंडा और हमारा झंडा, उसके सामने मैंने हल्फ लिया है। तो मैंने ये कहा है कि मैं असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट की बात नहीं मैंने सोची, असेंबली का इलेक्शन तब तक नहीं लड़ूंगी जब तक जो हमसे छीना गया है, जो हमारे मुल्क में ने हमें दिया था, वो मुल्क जो कहते हैं जो 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 कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जिस मुल्क ने हमारे साथ वचन किया था, जब तक तो वो वापस नहीं आएगा असेंबली इलेक्शन में नहीं लड़ूंगी।